guys and what? नमस्कार दोस्त, मैं कदादर मान आप लोग को लीजा ब्लू ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा हमारा डगी के बारे में, हमारा डगी का क्या हुआ था क्या नहीं, ये सारे चीज़ बताऊंगा। अब हमने कम से कम 3 महीना इलाज कराया, 3 महीने इलाज कराते समय हमारे ये डगी को हमने बचा नहीं पाया। हमने हर जगह लिया थे, पंतनगर, रुद्रपुर, बरेली, हर जगह ब्लड टेस्ट कराया। ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट सारे अलग अलग आया, तो बहुत पैसा खर्च हो गया। पैसे की बात नहीं है, हमारा बच्चा जैसे डगी था, हमने उसको खोया है, लेकिन बहुत दुख है, हम आज तक वो दुख को संभाल नहीं पा रहे। तो आप लोगों को बताऊंगा हमारा डॉगी का क्या है क्या नहीं, सारे चीज़ अभी आपको बताएंगे। आप लोग हमारा वीडियो देखते रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, मैं आगे आप लोग को सारे चीज़ बताऊंगा। उसका फीवर ही नहीं उतरा तो हमने उसको ब्लड टेस्ट कराया। ब्लड टेस्ट कराने के बाद उसका रिपोर्ट आया बावेसिया, मतलब टिक्स फीवर है। और रिपोर्ट में प्लेटलेट कम है, खून का कमी है और उसका बावेसिया भी निकला। तो बावेसिया निकलने के बाद हम उसको रिपोर्ट दिखा के फिर दवाई डॉक्सी साइक्लिन चलाया, NS चलाया। तो 20-25 दिन के बाद फिर बुखार आया। बुखार आने के बाद ये दोहरा आ रहा था उसको हमने पानी मार के उसको दवाई दे के फिर उसको बुखार उतारा, दोहरा थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद हम दवाई भी खिलाते उसको दोहरा टाइम, तो उसका कम हो जाता। फिर हमने दोबारा पंतनगर ले उसको डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर को दिखाने बाद वही उनका डॉक्टर ने वही चालू कर दिया डॉक्सीसाइक्लिन और NS के साथ दवाई उसका। वो 5 दिन खाता है, 5 दिन उसको हम चलाते हैं डॉक्सीसाइक्लिन और NS मिला के उसको बोतल चढ़ाता है। बोतल चढ़ाने के बाद वही उसका मतलब 15-20 दिन के बाद फिर दोबारा बुखार आ जाता। अब देखिए ये जो दोहरा आ रहा है इसका, ऐसे मतलब बीच में 2 बार ऐसे आया था उसका दोहरा। उसके बाद फिर हमने उसको पंतनगर दिखाया, दिखाने के बाद फिर उसका वही इलाज डॉक्सीसाइक्लिन NS। जब ठीक नहीं हुआ हमने उसको बरेली IVRI में ले गए। तो IVRI ले गए तो वहाँ से दवाई लेके आए, 1 दिन दवाई खिलाया, दूसरे दिन वो कुछ खाना नहीं खाया, तीसरे दिन हम फिर ये ले गए यहाँ हमारा हॉस्पिटल। देखिए हॉस्पिटल लेते समय उसका ये हाल है, वो चल नहीं पा रहा था पूरा। तो हमें बड़े मुश्किल से उसको ऐसे हमारा दरी में लेके उसको छात के, हमारे 3 मंजिल पर रहते हैं तो वहीं से नीचे उतारे, उतरते उतरते नीचे आए। तो हमने हॉस्पिटल में पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे, तो हम अभी नीचे उतारे। उतारने के लिए कोई नहीं था, मोने और विशेष दोनों उतार रहे थे, बहुत भारी था डॉगी। अभी भी देखो वो देख रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको तो बचा नहीं पा रहे। उसका शायद लास्ट स्टेज था, उसी समय हमारा को पता ही नहीं लगा था। मिसेज और मैं दोनों उसको नीचे उतार रहे थे, तो बच्चा हमारा था वहीं पे। तो आप देखिए उसका क्या हालत है पूरा, हमारे को लग रहा था, हम सोचा कहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारे को पता नहीं लगा, वो पूरा लास्ट स्टेज था। अब 3 मंजिल हम नीचे उतरते थे, हम भी थके क्योंकि वो भार बहुत वजन था। और आप लोग को भी बता रहा हूँ कितना कष्ट हम लोग कर रहे हैं, देखिए। और अकेला इसको नीचे उतारने में तो बहुत कष्ट लग रहा था मेरे को, फिर हमारा मिसेस ने हेल्प कराया। तो हम नीचे देखिए डॉगी का क्या हाल था उस टाइम, सांस ले रहा था, वो भी एक तरफ का उसका दाहिने साइड कुछ काम नहीं कर रहा था, ये दाहिने वाला पैर और दाहिने वाला साइड साइड आंख भी पैर भी सारे कुछ कुछ काम नहीं कर रहा था।
हम तो नीचे ले गई, नीचे रखे थे। अब तो मैं देख रहा था, कोई क्या बताऊँ आपको, हमारा हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। देखो पहुंचाने के बाद आधा घंटा के बाद डॉक्टर आया। जब तक हमारा डॉक्टर हो गया था, उसका 2 बार उसकी मुँह से उसकी आया, तब तक हमारा डॉक्टर डेथ हो गया। तो हम तो कुछ नहीं कर पाए और वहाँ डॉक्टर देखिए हमारा डेथ हो गया। डॉक्टर सब बाद में आए, तो जब आए तो उन्हें देखा तो तब तक डॉग का डेथ हो गया था। तो हम शायद मैं भी उसमें CPR दे रहा था, कहीं लास्ट तक उसका कोई थोड़ा सा बच जाएगी। तभी भी हम कुछ देखना कितना तेज CPR दे रहा था, तभी भी कोई इलाज मतलब उसका हलचल नहीं है डॉगी का। हम लग रहा था कहीं थोड़ा सांस रुक गया, कहीं बच जाएगा, लेकिन नहीं। हमने ये बाल सारे अल्ट्रासाउंड के लिए साफ कर दिया था, अल्ट्रासाउंड किया था, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी उसका आया था। उसका मतलब पेट में थोड़ा पानी है, लिवर इंस्पेक्शन है, ये सारे था। तो हम लोग उस टाइम तो उसको बचा नहीं पाए, तो अभी क्या बताऊँगा हमारा। तो हम उसको टुक टुक में अंतिम संस्कार के लिए लेके गए उधर जंगल में। हमारा घर से कम 2-3 किलोमीटर है। हम वहाँ लेके गए, तो वो जंगल भारी जंगल था वहाँ। तो हमारा मकान मालिक ने 2 आदमी को बुला लिए थे वहाँ गाड़ा खोदने के लिए। तो वो भाई लोग खोद रहे थे, तो हम वहाँ पहुँच के हमारा डॉगी का जो क्रियाक्रम होता है तो हमारा डॉगी का क्रियाक्रम कर रहे थे। उसको फूल माला वगैरह चढ़ा रहे थे, फूल माला फूल भी दे रहे थे। तो सारे जो क्रियाक्रम होता है, बच्चे किसी मकान मालिक सारे थे वहीं पे। तो हम वही काम कर रहे थे, अभी किया था वहाँ इलाज, फूल क्या भी चढ़ा बताएं, रहे थे। कोई बात नहीं भैया, जितना दुख आपको हो उतना दुख हमें नहीं हो रहा है, इतने में ही हमें उतना दुख रहन दो बेचारा, इतने दिन के लिए ही था। इतना ही साफ था, कोई बात नहीं, अपनी साइड मारे लेकर इधर ला रहा हूँ, अपना वाला मेरे को दे, ये वाला सिरा उधर दो। धीरे धीरे कर देना, इसमें ढांकने से वो ज्यादा जल्दी पिघलेगा नहीं ना। क्या चीज? अब खत्म हो जाएगा, मतलब कपड़ा ढांकने से वो पिघलेगा नहीं जल्दी। ये नमक तो हर चीज को घंटों में खत्म कर देता है। नमक देना है ना, नीचे भी डालना था ना। ना ना, 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 ना। नीचे नहीं पड़ता है, ला बाबू दो मेरे को। ऐसे डाल दो ऊपर से कपड़े में। फूल बाद में भी थोड़ा डाल देंगे, ऊपर डाल दो फूल, डाल दो अपने हाथ से, डालो आप।
मैं खुद लंगे पैर नहीं नहीं जब विधि से कर रहे हो तो फिर उसी हिसाब पूरा होना चाहिए। हाँ डाल ले संभाल के पैर में ना लग जाए आराम से। खाली ऐसे गिरा तो मैं हो गया आपने करना कर लो ठीक है ठीक ठीक है हट जा ले ले भाई। तो वैसे काम नहीं है और की करवा मैं इसी तरह चले सकते हैं। तो सही है जो भी हो अपना। हाँ उन्होंने कर लिया अपना सही है जो भी है आत्मा को शांति दे भाई।